सहूलियात दी हैं वो भी आप देख लें, बड़ी तकलीफ। ये कर्तिना सेंटर, ये अपना वो क्या कह रहे हैं कि ये कर्तिना सेंटर इन्होंने वायरस को, कोरोना को रोकने के लिए ये बनाए हुए हैं। ये देखो इन टॉयलेट्स की हालत, यहाँ लोग टॉयलेट्स पे जाते हैं और ये जगहें हैं जो कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान गवर्नमेंट जंग कर रही है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट जंग कर रही है। और ये देख लें हालत, और ये इन्होंने यहाँ से ये नर्सरी बना रहे हैं कोरोना की, और यहाँ से लोगों को ये मार कर या आगे भेजने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। और ये देख लें यहाँ पे इन्होंने कर्तिना सेंटर जो बनाया हुआ है, लोगों की हालत देख लें। यहाँ लोगों को बड़ी तकलीफ है। आज 14 दिन हमें हो गए हैं ये, ना 14 दिन में ना कोई टेस्ट हुआ है ना कुछ। 3-4 दिन से इन्होंने स्कैनिंग करना भी छोड़ दी है, और ये लोगों को मारना चाहते हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, और 14 दिन से भी हम इनको कह रहे हैं कि आज हमारे 14 दिन पूरे हो गए हैं, कह रहे हैं हमारे पास इंतजाम नहीं है, गाड़ियां नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, बस बहाने बना के लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है बंदूक के जोर पे, जैसे कि हम दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों को भी इतनी तकलीफ नहीं देते जितनी यहाँ पे इन्होंने जायरीन को दी हुई है। ये देख लें आप, ये सफाई का निजाम देख लें, ये कर्तिना सेंटर है, ये न्याजी, ये यहाँ पे न्याजी गवर्नमेंट का काम चल रहा है। न्याजी कहता है घबराना नहीं है, ये न्याजी की गवर्नमेंट है यहाँ पे। ये देख लें, ये सफाई का हशर देख लें, जहाँ पे यहाँ लोग रह रहे हैं, ये हशर आप खुद देख लें। ये कर्तिना सेंटर की हालत है जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, लेडीज रह रही हैं, लोगों बड़े लोग बहुत बड़े परेशान हैं यहाँ पर।